जाई कि खंडगिरी बुली कि गुंफा खंडगिरी केते गुंफा रही केते पुरुणा जानतु खंडगिरी पुरुणा तथ्य और रहस्य बुझंतु खंडगिरी ऐतिह और इतिहास पड़े शीत बढ़ लोकों भिड़ आपण केबे खंडगिरी को बुलिबा पई जाइछंती कि तबे कौन देखिछंती ओ ता विषय रे कौन जानिछंती कारण खंडगिरी एमिते एक स्थान जहार कोण अनुकूल रे पूरी रहिछि बहु रहस्य प्रति पादे पादे एठारे रहिछि इतिहास ओ पुराणर विशेषता खंडगिरी ओ उदयगिरी गुंफा अधा प्राकृतिक अधा मनुष्य द्वारा तयारी होइछि जहार ऐतिहासिक पुरातन तत्व ओ धार्मिक गुरुत्व मध्ये रहिछि एठारे थिबा गुंफा गुड़िक दुईटी पहाड़ खंडगिरी और उदयगिरी रही खंडगिरी 15 गुंफा थिबा बेले उदयगिरी रही 18 गुंफा हाथी गुंफा निकट में बारभुजा देवी एक मंदिर रही तेज स्थान इतिहास दृष्टि खूब गुरुत्वपूर्ण जैन धर्म ग्रंथर जानवापी मिले जे स्थान में महावीर जैन तर धर्मवाणी प्रचार करते कलिंग सम्राट खारवेल प्रसिद्ध हाथी गुंफा शिलालेख यह स्थान रही प्राचीन ओडिशा संपर्क में एक गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपादान खंडगिरी और उदयगिरी दुईट प्राचीन नाम रही कुमार और कुमारी पर्वत तेरे वर्तमान समय यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मान्यता पाई भुवनेश्वर उपकंठ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडगिरी एवं जमुई पर्यटकों भिड़ दीर्घ दिन कोविड कटकणा पर एबे लागुची भिड़ खंडगिरी रे राज्य राज्य बाहर काही केते दूर छुट्टी आसुचंती पर्यटक माने एठाकार मनोरम परिवेश गुंफा आकृष्ट करिथे पर्यटक मानंकु खाली सेतिकि नुहे एठाकार मांकड़ मानंकु पर्यटक माने निज हाथ रे बादाम कदळी पाउरुटी देथांती खाइबाकु आध्यात्मिक परिवेश भगवान को साधना पीठ खंडगिरी स्वतंत्र मन मोहिनी श्रद्धालु मानंकर तबे आसंतु पचेरी बुझिबा कोन कहउचंती एठाकु आसीथिबा पर्यटक माने बोली परिचय देबे मोना सुनीता साहू कोठ आसिले भुवनेश्वर तो केमती लागुचि ए खंडगिरी के आसिला परे भलो त निहाती लागिबो एठाकर लोक माने तो खंडगिरी माल केमती रहिछि आजि कंपनी कोन पई टिके गहळी अछि आ अलगा बेले आसिलु टिके कम थिला आजि टिके गहळी अछि आ दिनती कोन भलो दिन छ जुडे नेचर मेन तो प्रकृति पहाड़ आम इतिहास विगत दिन में कोविड कटक लोक मैंने आसी पार ना कोविड कटक उठीगला जनसाधारण मैंने आस पर्यटक मैंने लगुच भल तो निम जगह को आम इतिहास देखुं भल तो निश्चय लगे बहुत गर्व भी लगुच आम जगह को ये लोग आसुच्च जेहेतु भल लगुच कोविड कटकणा परे पर्यटक माने आसीबा द्वारा बेस खुशी अछंती स्थानीय व्यवसायी तबे कोन कहउचंती अंचलर व्यवसायी आसंत सुनिबा संजय समुद्र स्थानीय बासिंदा आइया तो कोन कार्य करंती आइया मु एठी फोटो बिजनेस करे आइया कोविड कटकणा थिरा सते आसु नथिल लोक वर्तमान धीरे धीरे भी लोक प्रचुर परिमाण वर्षा कोन शीत कोन ये शीत पाखे आसुची लोक धीरे धीरे बढ़िया व्यस्त अछंती एठिकी देश विदेश बहुत लोक आसण ये जगार बहुत साधु सन्थर जगह ये जगह उपरको जी आस मैंने एमती मोटिव हो सी आउ थ थरक दु थर पांच थर एम भी आसो 10 भी आसमें तो ये अच्छू कि कड़े जापना बाहर लोक बहुत आसती देखती आमर हाथी गुंफा उपर पाली भाषा लिखाई से युद्ध विषय खारवेल विषय लिखाई ये बहुत किसी अच्छी तेणुक लोक मैंने आस केवल आम राज्य नुहे राज्य बाहर खंडगिरी को धाई आसुवा पर्यटक मैंने मत दिंती एठाकार प्राकृतिक परिवेश बेस मनलोभा एठाकार गुंफा स्वतंत्र नियारा एठारे परिवेश को उपभोग करंतु और नियारा मजा नियंतु। मेरा नाम कृतिका है, हम लोग विशाखापट्टनम से आए हैं जी। उड़ीसा है या खंडगिरी पे जी? कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, ये काफी अच्छा है, बहुत एंशिएंट है तो काफी अच्छा लग रहा है। ये जगह अभी पहले कोविड चल रहा था, कोई आते थे नहीं? हाँ जी, हम तब से प्लान कर रहे थे, एक्चुअली अभी आना हुआ है क्योंकि 2 साल से कोविड चल रहा है तो कुछ हो नहीं पाया इसलिए, पर काफी अच्छा है।
और यहाँ का जो व्यवस्था है, टिकट वगैरह वगैरह, जो घूमना फिरना कैसा है? अभी तो हम यहीं आए, एक्चुअली फर्स्ट फेस है, अभी जाएंगे तो और पता चलेगा, पर जब आए तो काफ़ी क्लीन भी है सिटी हमें लगा। तो कितना मजाक मस्ती आके कैसे चल रहा है? सही चल रहा है, दोस्तों के साथ आए, अच्छा लग रहा है। तेबे खंडगिरी हेउची महापुरुष मानंकर साधना पीठ। खंडगिरीर प्राकृतिक परिवेश मनीष मनरे थिबा सब अशांतकु शांत करदिए। खंडगिरी मनीषकु भल पाइबा सिखाए। प्रेमी जुगल मानंक पई एक भरपूर मनोरंजन आनि देथाए खंडगिरी। भुवनेश्वरु कैमरा जर्नलिस्ट काळुंक सह प्रदीप्त महाराणा रिपोर्ट A1 ओडिया। 10th बोर्ड पास करी भल कलेज पाठ पढ़ाक चाहते कि तेज आज ही आसतु TSG गुरुकुल, जो मेधावी छात्र छात्री मान प्लस टू पाठ पढ़ा सह कैरियर कोचिंग और हॉस्टल सुविधा मिलू मसक मात्र 5,999 टकर। TSG गुरुकुल, गोठपाटना, भुवनेश्वर।